हेलो जी, राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे। आज हम गोभी की एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज हम खुद कंफ्यूज थे कि इसको हम किस तरीके से क्या बनाएं कि कुछ नया बने। तो ये हमारे पास गोभी का इतना टुकड़ा था, तो इसको हम चलिए गैस पर रख दिए हैं और अच्छे तरीके से इनको भूनेंगे। गैस पर आप टमाटर, बैंगन पकाए होंगे, आज गोभी पका लें और इसे इस रेसिपी को बनाएं और ट्राई करें और बताएं कि आपको भी यह मज़ेदार लगा कि नहीं। तो गोभी को हमें अच्छे तरीके से चारों तरफ घुमा घुमा कर पकाना है। इसके पीछे जो डंठल है उसका यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन साथ में रहने दिए हैं कि पकड़ने में सही रहेगा और पकाने में हाथ नहीं जलेगा। तो ये लीजिए, गोभी हमारा चारों तरफ से पक रहा है। इसके ऊपर जो काला काला स्पॉट आता है तो वह हल्का फुल्का आएगा ही, क्योंकि ये डायरेक्ट आग पर पक रहा है और इसी से इसका एक स्मोकिंग फ्लेवर बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हम गोभी को पकाएंगे। आँच धीमा रहे, धीमा आँच पर पकाते हैं, जिससे यह अच्छे तरीके से अंदर तक आधा से ज़्यादा पक भी जाता है। तो यह अच्छे तरीके से पूरी तरह नहीं पकता है, कम से कम आधा 50-60% पक जाता है। तो ये लीजिए, पक कर रेडी हो गया है। इसको हम प्लेट में रख लिए हैं और इसके पीछे के डंठल को हम बताए थे कि यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए चलिए इनको काट कर निकाल देते हैं। वैसे भी डंठल का यूज हम सब्जी में नहीं करते हैं, तो इसमें कहाँ करेंगे। तो लीजिए, ये कट कर निकल गया है। अब इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा ये जब हल्का गर्म में हो जाएंगे तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इससे हम बहुत ही फाइन चॉप कर लेंगे। तो ये लीजिए, प्लेटफॉर्म पर ही चाकू से हम इनको छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इस तरीके से हम इस रेसिपी को बनाएंगे तो टेस्ट में कैसा लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार लगा और काफ़ी टेस्टी लगा और बनाने में भी इजी है। फटाफट गोभी को पहले आप इस तरीके से रोस्टेड कर लें और बाद में इनको पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो गोभी को हम बहुत ही बारीक फाइन कर लेंगे। ये पके हुए हैं तो इसलिए बहुत ही जल्दी आराम से कट जाते हैं। तो प्लेट में इनको इस तरीके से ले लिए हैं। आप तंदूरी रोटी, तंदूरी चिकन, तंदूरी कितने प्रकार की रेसिपी खाए होंगे, आज हम तंदूरी गोभी की बनाएंगे टेस्टी रेसिपी। तो एक गोभी हमारा रह गया था, उसको भी काट लेते हैं और इसमें थोड़ा सा डालेंगे मटर, जिससे देखने में तो अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा, नहीं तो आप सिंपल गोभी का भी बना सकते हैं। तो थोड़े से हमारे पास मटर हैं तो इनको हम छील लेते हैं, जिससे मटर के दाने उसमें हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा। तो मटर भी छिल गए हैं और सभी चीज़ों को हम काट पीट कर तैयार कर लिए हैं। तो पैन को रख दिए गैस पर और गैस हमारा ऑन हो गया है। इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। हम सरसों के तेल में बना रहे हैं क्योंकि सरसों का तेल फ्रेंड्स हम खाते हैं। तो सरसों के तेल अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, मिर्चा और अदरक को डाल देंगे और इनके साथ हम डाल देंगे एक प्याज। इन सबको हम भून लेंगे, बस इनका कलर चेंज होने तक ही भूनेंगे। तो कुछ देर भूनने के बाद इसी में हम मटर डाल देते हैं, क्योंकि मटर कच्चा है तो अच्छे तरीके से यह पक जाए। तो मटर को इसी समय डालकर हम प्याज को भून लेंगे, प्याज भी भून जाएंगे और मटर भी हमारे पक जाएंगे। तो ये रेसिपी या वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेस्टी इजी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ हम टमाटर भी डाल दिए हैं, टमाटर को भी भून लेंगे। टमाटर को हमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है, मटर भी पकाना है, इसलिए कुछ देर ढक कर रख देंगे, जिससे दोनों काम हमारा आराम से हो जाएगा। टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं और मटर भी हमारा कुक हो गया है। इसमें डालेंगे कुछ मसालों को, जिसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला और थोड़ा सा मिर्चा। पहले ये हरा मिर्चा डाले हैं तो तीखा अपने हिसाब से डालें और मसालों को भी पानी के साथ भून लेंगे। जब मसाले भून जाएंगे तो इसमें हम रोस्टेड किए हुए बारीक कटे हुए गोभी को डाल देंगे और चलिए साथ में नमक भी डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोभी हमारा पहले ही आधा से ज़्यादा पका हुआ है, इनको थोड़ा और पकाना है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, जिससे पक जाए और मसाला नमक का भी टेस्ट गोभी में अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये लीजिए, इनको 5 मिनट ढक कर रख दिए थे और ये अच्छे से हमारा गोभी का रेसिपी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप क्या नाम देंगे, हमारे यहाँ तो यह गोभी का भुर्जी कहा गया है और बच्चे भी काफ़ी लाइक किए, बहुत ही मस्त ये रोटी पराठा के साथ खाने में लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको क्या नाम देंगे। रोस्टेड गोभी की सब्ज़ी कहेंगे कि रोस्टेड गोभी की भुर्जी कहेंगे और इसके ऊपर ढेर सारा धनिया पत्ती डालें।